हेलो एवरीवन, चीजी कोड में आपका स्वागत है। ये इस ट्यूटोरियल सीरीज की सेवंथ वीडियो है जिसमें हम सोर्सेस टैब के बारे में थोड़े एडवांस टॉपिक कवर करेंगे। इससे पहले हमने बहुत सारी टैब्स इंक्लूड कर ली हैं क्रोम डेवलपर टूल्स के लिए। अगर आपने ट्यूटोरियल सीरीज नहीं फॉलो करी है तो प्लीज़ इसको फॉलो कीजिए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है प्लेलिस्ट का। तो शुरू करते हैं। तो सोर्सेज टैब में मैंने पहले जब आपको बताया था तब उसके इसमें यहाँ पे पेज के जितने भी रिसोर्सेज होते हैं यहाँ पेज के अंदर दिखते हैं, जो भी मेरी CSS की फाइल है या JavaScript की फाइल है वो सब यहाँ पे दिखते हैं। अब इसके अलावा यहाँ पे होता है एक फाइल सिस्टम। ये फाइल सिस्टम क्या करता है, आपके जो लोकल मशीन पे फोल्डर पड़ा हुआ है आपके कोड का वो उसको यहाँ ले आएगा, उस फोल्डर को यहाँ पे वर्कस्पेस में ऐड कर देगा। तो आपको कुछ भी एडिट करना हो वो डायरेक्टली आप यहाँ कर सकते हैं, ये आपके लिए एज अ एडिटर काम करेगा। अब मेरा क्रोम अपडेट होकर वर्जन 70 पे पहुँच गया है, 70+ पे, बट 62 वर्जन तक क्रोम में एक बहुत अच्छी फैसिलिटी थी कि जो भी आपका वर्कस्पेस का फोल्डर होता था और वो एग्जैक्टली आपकी साइट से मैच करता है तो डायरेक्टली मैप कर देता था। और मैपिंग के केस में क्या होता था, जो मेरी फाइल्स यहाँ पे दिख रही हैं वो सेम मेरी फाइल सिस्टम से मैप हो जाती थी, जो कि अब ऐसा नहीं होता। अब मैं यहाँ पे अगर फोल्डर ऐड भी करता हूँ अपना तो मैं यहाँ पे फिजिकली फाइल चेंज कर सकता हूँ, रिफ्रेश के बाद मेरे को चेंजेस दिखेंगे। अगर मैं अपना यहाँ पे फोल्डर ओपन करना चाहूँ एक्सप्लोरर के थ्रू, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मैं अपना फोल्डर यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ अपने पाथ से और ओपन कर सकता हूँ। इसका दूसरा तरीका है जो थोड़ा छोटा है कि मैं अपना फोल्डर डायरेक्ट ड्रैग करके यहाँ पर ला सकता हूँ। तो मैं थोड़ा आलसी हूँ तो मैं अपना छोटा तरीका ही आपको बताऊंगा। तो डायरेक्टली मैं फोल्डर यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा और सीधे इसको ड्रैग करके यहाँ ले आऊँगा। अब यहाँ पे मेरे पे एक्सेस के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है ये, मैं इसको अलाउ कर दूँगा तो मेरा यहाँ पे वर्कस्पेस ऐड हो गया है। अब इसके अंदर मेरा पूरा स्ट्रक्चर है। अगर मैं यहाँ पे इसका कुछ फाइल में चेंजेस करता हूँ, जैसे कि मैंने सपोज इसका कलर ब्लैक कर दिया और मैं इसको सेव कर देता हूँ, अब मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहीं के यहीं मेरा कोड रिफ्लेक्ट करने लगा। अब इस चीज़ से मेरे को एक सेपरेट एडिटर की ज़रूरत नहीं है, मेरा यहीं पे ही सब कुछ काम हो जाएगा। मैं यहाँ पे फाइल ऐड भी कर सकता हूँ, मैं अपना एक तरीके से पूरा कोड बना सकता हूँ। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली चेंज करना चाहता हूँ रन टाइम पे ही, तो मैं पेज में जाऊँगा और अपनी CSS फाइल खोलूँगा। कन्फ्यूज़न के लिए मैं पुरानी फाइल क्लोज़ कर देता हूँ। अब ये मेरी लाइव फाइल है जो मेरी डायरेक्टली एक्सेस हो रही है। अब मैं अगर यहाँ पर चेंज करता हूँ कुछ तो मेरा डायरेक्टली रिफ्लेक्ट कर रहा है, और साथ में जैसे ही मैं सेव करूंगा तो मेरा ब्राउज़र लोकली ये चेंजेस कहीं सेव करके रख लेगा। ऑल दो मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा ये मेरे चेंजेस चले जाएंगे, लेकिन अगर मेरे को डायरेक्टली चेंजेस कर रहा हूं कोई CSS के और मेरे को देखना है मेरे क्या क्या चेंजेस हो गए हैं, तो मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर आता है लोकल मॉडिफिकेशंस। तो इससे एक नई टैब ओपन होकर आएगी, इस टैब का नाम है चेंजेस टैब। ये भी मेरे को यहाँ पर मोर टूल्स में अवेलेबल थी। तो ये क्या करती है, ये मेरे को टैब बताती है कि मेरा ये वाला कलर यहाँ से चेंज होके ये हो गया है। सेम मेरा जावास्क्रिप्ट के कोड में अगर मैं कुछ चेंज करता हूँ, जैसे मैं अगर इस कोड को हटा के डिलीट करके सेव करता हूँ, तो मेरे को ये स्क्रिप्ट टैग में दिखा रहा है कि मेरे चेंजेस हुए हैं। तो मैं यहाँ पर जो चेंजेस करता हूँ वो लोकली स्टोर होते हैं, मैं रिफ्रेश कर दूंगा वाइपआउट हो जाएंगे, लेकिन जो मैं फाइल सिस्टम में चेंज करता हूँ वो मेरे चेंजेस परमानेंट हो जाते हैं। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। बाकी मेरी अंडू और रीडू की फंक्शनैलिटी दोनों में चलती है। मैंने इसको अंडू किया, दोबारा सेव किया, अब मैं रिफ्रेश करूँगा तो मेरी अंडू की फंक्शनैलिटी, रीडू की फंक्शनैलिटी सब कुछ चलता है वैसे ही। बट दोनों में डिफरेंस यही है कि मैं यहाँ पे जो चेंजेस करूँगा इन फाइल में डायरेक्टली वो मेरे लोकल मॉडिफिकेशन में आएगा और रिफ्रेश के बाद चला जाएगा। अगर मैं फाइल सिस्टम में चेंज करता हूँ तो डायरेक्टली ये एक तरीके से एडिटर का काम कर रहा है और जो भी मेरे चेंजेस होंगे डायरेक्टली मेरे फिजिकल फाइल में चेंज होंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर जावास्क्रिप्ट में ओपन करके चेंजेस ये हटा देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ, अब मैं अपना नोटपैड खोलूँगा तो मेरे को बताएगा कि द फाइल हैज़ बीन मॉडिफाइड, और मैं यस करूँगा तो मेरे चेंजेस यहाँ रिफ्लेक्ट करने लगे हैं फिजिकल फाइल में। तो ये फाइल सिस्टम का बेनिफिट है कि मेरे को ये इस एक्स्ट्रा एडिटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी के लिए चेंजेस रिवर्ट कर देता हूँ। इसके बाद आता है स्निपेट्स, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ बाकी टैब्स को। अब स्निपेट्स में क्या होता है, यूजली हम कंसोल में बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं, बहुत सारा कोड लिखते हैं, उसको रन करते हैं, उसको इवेल्युएट करवाते हैं, और जब हम रिफ्रेश करते हैं वो सारा कोड जो हमने लिखा था वो चला जाता है। तो उसके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है स्निपेट्स। अब यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे आप स्निपेट का नाम दे सकते हैं कुछ। अब इस कोड के अंदर आप जैसे नॉर्मल जावास्क्रिप्ट लिखते हैं उस तरीके से कोड लिख सकते हैं। तो मैंने कोड लिख दिया और इसको सेव करा दिया।
अब मैं इसको किसी भी टाइम रन करा सकता हूँ, या तो मैं कंट्रोल एंटर दबा दूँ या इस पर क्लिक करूँ, या मैं राइट क्लिक करके इस पर क्लिक कर सकता हूँ, तो ये रन कर जाएगा। अब जैसे ही रन करता है तो जो इसका आउटपुट आया वो यहाँ मेरे को कंसोल में दिख जाएगा। ये सेम नॉर्मल हमारे कोड की तरह काम करता है। मैं इसमें डिबगर भी लगा सकता हूँ, मैं सब काम कर सकता हूँ। इवन इस कॉन्टेक्स्ट में मेरे को सारी वेरिएबल भी मिलेंगे जो ग्लोबल वेरिएबल मेरे प्रेजेंट है कोड के अंदर। तो जो इसका बेनिफिट है कि मैं कुछ पोर्शन ऑफ कोड अपने रख सकता हूँ, चंक्स ऑफ कोड मल्टीपल स्निपेट बना बना के, जिससे कि जब मेरे को रन करना हो कंसोल में या कुछ भी मेरे को कोड एग्जीक्यूट कराना हो, मैं डायरेक्टली इस पर राइट क्लिक करूँ और रन कर दूँ। अब देखा आपने, मैंने डिबगर लगा रखा था तो यहाँ डिबगर भी आ गया, और मेरे को ग्लोबल वेरिएबल जितने भी प्रेजेंट होंगे सब एक्सेसिबल हैं यहाँ पर। मैं यहाँ पे डीबग कर सकता हूँ, जो भी मेरे सोर्सेज टैब में काम होते थे वो सारे काम हो सकते हैं। वेरिएबल की वैल्यू चेंज करना, इसको ऑल्टर करना, मैं सारे काम कर सकता हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है ये चीज़ करना। और बेस्ट फीचर इस चीज़ का, स्निपेट्स का, ये है कि ये कोई डोमेन स्पेसिफिक नहीं है। मैं अगर किसी और टैब में जाता हूँ, कोई और साइट खोलता हूँ, जैसे कि मैं अभी गूगल की साइट खोलता हूँ, तो उस केस में मेरे को ये स्निपेट्स दिख रहे हैं। तो मैं किसी भी साइट में जाके कोई स्पेसिफिक मेरे को कोड रन करना है अगर, तो मैं जाके सीधे स्निपेट्स में सेव कर सकता हूँ उस कोड को और किसी भी साइट पे जाके रन कर सकता हूँ। तो ये बहुत यूज़फुल है डेवलपर्स के लिए कि कोई अपना कोड एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हो या डीबग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल है ये चीज़। इसको राइट क्लिक करके आप रिमूव भी कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, या इसको पर्टिकुलर कोड को आप सेव कर सकते हैं, या यहाँ से उठा के कॉपी करके आप अपने मेन फाइल में, कहीं फिजिकल फाइल में डाल सकते हैं। ये सारे काम कर सकते हैं आप। तो ये बहुत हेल्पफुल रहता है डेवलपर्स के सेंस में। तो अभी के लिए इसको रिमूव कर देते हैं। अब एक बहुत यूज़फुल फीचर है जो मैं सोर्सेज टैब का जब ट्यूटोरियल बता रहा था तब उस केस में मैंने मिस आउट कर दिया था, तब क्योंकि ये सोर्सेज टैब का एडवांस ट्यूटोरियल है तो मैं इस केस में आपको बताना नहीं भूलूंगा, कि एक होता है पॉज ऑन एक्सेप्शंस। अब मैं गूगल की साइट बंद कर देता हूँ, अपनी साइट ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे एक बटन होता है, इस पे लिखा होता है पॉज ऑन एक्सेप्शंस। अब ये क्या करता है कि जब भी मेरा कोई एक्सेप्शन आएगा, उसको रेज करने से पहले, ये मेरा उस कोड पे जिस लाइन से मेरा एक्सेप्शन रेज होने वाला है उसको रेज करने से पहले ही वहाँ पे जाके डिबगर रोक देगा, जिससे कि मैं लाइव वहाँ पे जाके देख सकूँ कि किस वजह से मेरा एक्सेप्शन आने वाला है। यूजली हमारे पास क्या होता है कि कोई एक्सेप्शन आता है तो हम यहाँ पे लाइन नंबर देखते हैं, उस पे जाके वापस डिबगर लगाते हैं, फिर रिफ्रेश करते हैं, तब पता चलता है हमें कि अच्छा यहाँ एरर आने वाला था। लेकिन इस फीचर की वजह से अब मेरे को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मेरा एक्सेप्शन आने वाला होगा तो अपने आप ही डिबगर वहाँ पहुँच जाएगा। इसको देखने के लिए मैं जावास्क्रिप्ट में एक एरर इंट्रोड्यूस करता हूँ। मैं फाइल ओपन करता हूँ, यहाँ पे मैं वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ रैंडम सा। अब क्योंकि ये वेरिएबल कहीं डिक्लेयर्ड नहीं है और मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया है, तो शॉर्ट शॉर्ट एक्सेप्शन तो आएगा ही। तो मैं रिफ्रेश करूँगा अगर पेज, तो मेरा सीधा यहाँ के रुक गया। यहाँ पे एरर आ रहा है मेरे पास, रेफरेंस एरर, टेस्ट वेरिएबल इज़ नॉट डिफाइंड। अभी तक लेकिन ये एरर मेरा पीछे कंसोल में लॉग नहीं हुआ है, तो मेरे को रेज होने से पहले ही यहाँ पता चल गया कि अच्छा यहाँ पे एरर आ रहा है और इस वजह से आ रहा है। तो मेरे को वापस ऑल द वे कंसोल में जाके लाइन नंबर देखने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को डायरेक्टली इसने यहाँ दिखा दिया कि यहाँ एक्सेप्शन आने वाला है। तो ये बहुत हेल्पफुल है जब डीबग कर रहा होता हूँ मैं कोड, उस केस में मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है। तो आप इस फीचर को ज़रूर यूज़ करना, और आपको कहीं परेशानी हो तो ज़रूर बताना हमें कमेंट सेक्शन में, आप हमसे पूछ सकते हैं और भी कोई चीज़। तो ये था हमारा सोर्सेज टैब के बारे में थोड़ा एडवांस ट्यूटोरियल। आप अपने यहाँ भी ट्राई कीजिए, आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ फॉलो करके कैसा लग रहा है, आपको थोड़ी हेल्प मिल रही है तो हमें ज़रूर बताइए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से उस बटन को ढूंढिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे कि आपको कोई भी नोटिफिकेशन हो हमारी वीडियो की आने की ज़रूर मिलती रहे। चीज़ी कोड में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।